बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और EOBI पेंशनर्स के हवाले से उनको एक अहम हदायत करना चाहता हूँ। और अगर जिन लोगों को ये भी लगेगा यार ये कोई बात है करने वाली जो इन्होंने आज अपने चैनल से अपने EOBI पेंशनर्स को बताई है, क्या ये इम्पोर्टेंट चीज़ है? ये चीज़ें आप लोगों खुद सोच लीजिएगा, लेकिन मेरी नज़र में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए मैं अपने पेंशनर जो मेरे सुनने वाले लिसनर्स हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उन तक एक पैगाम ज़रूरी समझता हूँ, पहुँचाऊँ अपने तवस्सुल से और उनको जो है सेफ़ चीज़ अच्छी चीज़ बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो एक से डेढ़ मिनट जो है ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसमें मैं अहम हदायत करने जा रहा हूँ, इससे आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 7-8 हज़ार रुपये जो मिलते हैं, 8.5 हज़ार रुपये, ये एक पेंशनर के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। तो इसलिए मैंने सोचा ये आप लोगों को मैं अहम हदायत कर दूं। आपने सुना होगा कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से काफ़ी सारे लोगों को फेक मैसेजेस आते थे और आते हैं, और उस पर जो है उसके लिंक पर लोग क्लिक करते हैं, उनको SMS के जवाब दे देते हैं या उसके जो है NIC नंबर दे देते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल दे देते हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसी तरीके से जो है EOBI पेंशनर्स के पास अगर खुदा ना खास्ता किसी किस्म का फेक मैसेज आए या उनसे किसी किस्म की मालूम लेने की कोशिश की जाए, उनको कॉल आए, तो प्लीज़ आपने कोई ऐसी डिटेल वगैरह नहीं देनी, NIC नंबर नहीं देना, अपना जो है पेंशनर नंबर जो आपको अलॉट होता है आपने किसी से शेयर नहीं करना। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।